नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। नीट यूजीसी की परीक्षा के रिजल्ट जारी होने के बाद फूटा छात्रों का गुस्सा। देश भर में परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक छात्र कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। छात्रों का मानना है कि इस बार परीक्षा में हुई है कोई ना कोई गड़बड़ी। दरअसल नीट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 67 स्टूडेंट को आए हैं फुल मार्क्स, एक ही इंस्टीट्यूट से निकले कई टॉपर। नीट यूजीसी की परीक्षा को लेकर गड़बड़ियों के आरोपों के बीच एनटीए के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई। अदालत ने काउंसलिंग पर रोक लगाने और री एग्जाम कराने से किया इनकार। कहा अगली सुनवाई में एनटीए का पक्ष सुनकर दिया जाएगा कोई फैसला। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मोदी कैबिनेट के मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा। अमित शाह को एक बार फिर मिली गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्री की जिम्मेदारी। एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, जेपी नड्डा को स्वास्थ्य और केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स मंत्रालय की मिली जिम्मेदारी। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान को कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री, कोयला को वाणिज्य मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री और मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव का 77वां जन्मदिन आज। देश भर के तमाम बड़े नेताओं ने दी शुभकामनाएं। लालू यादव ने देर रात अपने परिवार के साथ केक काटकर मनाया जन्मदिन। लालू के जन्मदिन पर काटा गया 77 किलो का केक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बाद उनके बड़े भाई पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर दी बधाई। सोशल मीडिया पर लिखा, तीसरी बार पद संभालने के लिए मोदी जी को हार्दिक शुभकामनाएं। हालिया चुनाव में आपकी पार्टी की सफलता दिखती है कि आपके नेतृत्व में जनता का है विश्वास कायम। आइए हम नफरत को उम्मीद में बदले और दक्षिण एशिया के दो अब लोगों को नीयत को आकार देने के लिए उठाए इस अवसर का लाभ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के शुभकामनाओं पर पीएम मोदी ने दिया जवाब। पीएम मोदी ने धन्यवाद के साथ खींची सुरक्षा की दीवार। सोशल मीडिया पर लिखा, आपके संदेश के लिए धन्यवाद। शांति, सुरक्षा और प्रगतिशील विचारों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं भारत के लोग। हमारे लोगों की भलाई और सुरक्षा को बढ़ाना होगी हमारी प्राथमिकता। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के गठन के बाद पहली बार बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा, मणिपुर में एक साल से देख रहा है शांति का राह, इस पर करना होगा विचार। मोहन भागवत ने कहा, समाज में परिवर्तन से व्यवस्था होती है परिवर्तित, यही है लोकतंत्र का सार। सत्ता में बैठे लोगों के लिए मोहन भागवत की सलाह। कहा, अपना काम करें ना कि पाले अहंकार। मोदी सरकार की केंद्रीय कैबिनेट में जगह न मिलने से नाराज हो रहे हैं बीजेपी के सहयोगी दल। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट बताई जा रही है नाराज। शिंदे गुट को मोदी कैबिनेट में मिला है स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री का पद, जबकि एनसीपी के हाथ अभी भी है खाली। शिंदे गुट चाहता है कैबिनेट में जगह। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी हलचल। सोमवार को शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी के दोनों गुट और उद्धव ठाकरे गुट के पार्टी ने सभी विधायकों और सांसदों के साथ की बैठक। सभी दलों ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनाव में जुटने का दिया निर्देश। 80 विधानसभा सीटों पर दावा कर रही है अजीत पवार की एनसीपी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजीत पवार के एक बयान से बड़ी सियासी हलचल। दरअसल पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर शरद पवार की तारीफ सभी को चौंकाया। शरद पवार को अपना मार्गदर्शक बताते हुए अजीत पवार ने कहा, एनसीपी को खड़ा करने में उन्होंने निभाई है महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद पवार के मुखिया शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला हमला। कहा, मैं हूं एक भटकती आत्मा जो कभी नहीं छोड़ेगा पीएम मोदी का पीछा। दरअसल शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का किया था जिक्र, जिसमें पीएम ने कहा था कि शरद पवार हैं एक भटकती आत्मा। जवाब में पवार ने कहा, एक अर्थ में सही है उनका कथन, क्योंकि आत्मा सदा सनातन और बनी रहती है शाश्वत। बिहार के पुड़िया से निर्दलीय लोकसभा का चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव के खिलाफ चुनाव जीतने के 6 दिन बाद ही दर्ज हो गया एक केस। पुड़िया के एक बड़े फर्नीचर व्यवसायी ने पप्पू यादव पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का लगाया आरोप। केस दर्ज होने पर भड़के पप्पू यादव, कहा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करा लो जाँच। लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले और
नतीजे के बाद शेयर बाजार में आया उतार चढ़ाव को लेकर टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने सेबी को चिट्ठी लिखकर की जांच की मांग। आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर टीएमसी सांसद ने ट्वीट कर लगाया मोदी और शाह द्वारा अवैध इन्वेस्टमेंट की सलाह देने का आरोप। कहा, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव परिणाम के संकेत देते हुए शेयरों में निवेश करने के लिए दिए थे बयान, जिसकी होनी चाहिए निष्पक्ष जाँच। शेयर बाजार में लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले 3 जून को आई ताबड़तोड़ तेजी और 4 जून को चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद मार्केट में आई भारी गिरावट को लेकर कांग्रेस ने भी लगाया है आरोप और इसे करार दिया है बड़ा स्कैम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की थी जेपीसी जांच कराने की मांग। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी केंद्र सरकार के कैबिनेट की गठन के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लिया बड़ा फैसला। 1,39,750 करोड़ रुपए टैक्स का डिवल्यूशन जारी करने की दी हरी झंडी। केंद्र सरकार द्वारा किए गए आवंटन में सबसे अधिक 25,000 करोड़ रुपए का टैक्स योगी आदित्यनाथ की सरकार वाले उत्तर प्रदेश को मिला। वहीं एनडीए गठबंधन में मजबूत सहयोगी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले बिहार दूसरे नंबर पर रहा। बिहार के खाते में ट्रांसफर किए गए 14,000 करोड़ से अधिक रुपए, मध्य प्रदेश को मिले 10,970 करोड़ से अधिक रुपए। राज्यों के ग्रोथ में खर्च किए जाएगी टैक्स डिवल्यूशन की रकम। भीषण गर्मी से जूझ रहे उत्तर भारत को अभी भी नहीं मिलेगी कोई राहत। मौसम विभाग ने ताजा भविष्यवाणी में उत्तर प्रदेश में लू चलने का जारी किया रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने इस दौरान 47 डिग्री तक पारा पहुँचने की जताई संभावना। लोगों से की गर्मी से बचने की अपील। आर्थिक राजधानी मुंबई में मानसून के दस्तक के साथ ही पश्चिमी हवाएं हुई एक्टिव। मुंबई में पूरे सप्ताह मॉडरेट बारिश होने का अनुमान। भारी बारिश होने का भी जारी किया गया अलर्ट। 24 घंटे के भीतर कई क्षेत्रों में 150 एमएम से अधिक दर्ज की गई है बारिश। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की बढ़ सकती है मुश्किलें। दरअसल उनके पहले पति के बच्चों को पाकिस्तान ने मांगा वापस। इसके लिए पाक के राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने भारतीय विदेश मंत्रालय को लिखा पत्र। पाकिस्तान के राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने की भारत से सुरक्षित बच्चे वापस करने की अपील। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टारर्स में से एक दर्शन को कथित तौर पर हत्या के मामले में किया गया गिरफ्तार। चित्रदुर्ग के रहने वाले रेणुका स्वामी के रूप में हुई मृतक की पहचान। दरअसल मृतक ने एक्टर दर्शन की पत्नी को भेजे थे अश्लील मैसेज, जिसके चलते पुलिस जता रही है संदेह। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा से आया एक सनसनीखेज मामला सामने। यहां एक पति ने पत्नी को इंस्टाग्राम पर रील बनाने से रोका तो पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम, फांसी लगाकर दे दी अपनी जान। घर के भीतर पंखे से लटकती मिली महिला की लाश। काजोल स्टारर वेब सीरीज द ट्रायल में काम कर चुकी एक्ट्रेस नूर मालविका दास की मौत को लेकर उनकी मां ने किया बड़ा खुलासा। कहा, लंबे समय से डिप्रेशन का शिकार थी बेटी। कुछ दिनों पहले ही अभिनेत्री नूर मालविका ने अपने फ्लैट में दे दी थी जान। उत्तराखंड के 4 धामों के बाद अब नैनीताल के विश्व प्रसिद्ध मां नैना देवी मंदिर में भी रील्स बनाने पर लगी पाबंदी। मंदिर प्रबंधन ने जारी किया दिशा निर्देश। भक्तों के मंदिर के अंदर मर्यादित कपड़े पहनकर भी आने के लिए जारी किया गया है निर्देश। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। एक गर्भवती समेत 2 विदेशी महिला तस्करों को किया गिरफ्तार। दोनों महिलाओं के पास से 33 किलो सोना बरामद, जिसकी कीमत 19 करोड़ रुपए के आसपास। दोनों महिलाओं ने अंडरगारमेंट्स में और बैग में छिपाया हुआ था बरामद सोना। महाराष्ट्र में मानसून के दस्तक के साथ ही आलू प्याज की कीमतों में आया उछाल। बारिश के चलते मुंबई और ठाणे में सब्जियों की आपूर्ति में भारी गिरावट। वासी स्थित एपीएमसी मार्केट में 2 से 3 रुपए किलो बढ़ी आलू और प्याज की कीमतें। वाहन चालकों के लिए खुला मुंबई के महत्वाकांक्षी कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का एक और हिस्सा। नरीमन पॉइंट से हाजी अली तक टनल के खुलने से अब 40 से 45 मिनट की दूरी महज 8 से 10 मिनट में हो जाएगी पूरी। कोस्टल रोड के प्रोजेक्ट से मुंबई में कम होगा जाम और तेज होगा ट्रैफिक। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन24 न्यूज। इन24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म YouTube, Instagram, Facebook, Twitter पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।